हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्रेड रोल बनाना शेयर करूंगी। तो चलिए पहले देखें ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पहले तो मैंने जी आलू उबाल कर छील लिए। आपको पहले आलू उबालने हैं, फिर अच्छी तरह छील लेने। उसके बाद हमें चाहिए प्याज। मैंने हाफ प्याज काटा हुआ है, छोटा सा पीस मैंने अदरक का लिया हुआ है, और एक छोटी वाली मिर्च मैंने काटी हुई है, ग्रीन चिली। उसके अलावा हमें चाहिए अजवाइन, हल्दी, नमक, जीरा पाउडर एंड गरम मसाला। और हमें इसके साथ साथ हमें चाहिए देगी मिर्च, तो थोड़ा सा हम लेंगे इसमें आमचूर। एंड फ्राई करने के लिए हमें ऑयल चाहिए और ब्रेड स्लाइस चाहिए। तो चलिए देखें कैसे बनाते हैं ब्रेड रोल। सबसे पहले मैं प्याज, जो मेरे आलू हैं, इनको मैश कर लूंगी। मैं हाथों से कर रही हूँ, आप भी हाथ से चाहे हाथ से कर लें। अगर आपके पास मैशर है तो आप उससे मैश कर लें। अब मेरे आलू अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। अब मैं इनके बीच प्याज डालूंगी, जो मैंने बारीक कटे हुए, अदरक वो भी बारीक कटा हुआ है। मैं छोटी एक मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि मैं मेरे बच्चे खाने वाले, अभी बच्चे छोटे, वो ज़्यादा मिर्च नहीं खाते। अगर आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च बढ़ा भी सकते हैं। ऐसे ही आप नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। थोड़ी सी अजवाइन, गरम मसाला, जीरा पाउडर, थोड़ी सी हम हल्दी, थोड़ा आमचूर। थोड़ी सी, हाफ से भी कम चम्मच लेंगे देगी मिर्च। अब इन सबको मैं दोबारा से मिक्स कर दूंगी। तो अब मैंने अच्छी तरह आलू में जो भी मसाले वगैरह डाले थे मिक्स कर लिए। एक बात मैं आपको दोबारा से कहना चाहूंगी कि मैंने सब कुछ बहुत लाइट डाला है। आप नमक मिर्च वगैरह जो भी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, क्योंकि बच्चे खाने वाले हैं इसलिए लाइट लाइट रखा हुआ है। तो अब मैं एक साइड पर ऑयल रख दूंगी गर्म होने के लिए, जिसमें हमें ब्रेड रोल फ्राई करने हैं। तो दूसरी साइड हम ब्रेड रोल तैयार करते हैं जी। हमें ऑयल जो गर्म होने के लिए रखना है, बहुत स्लो गैस पे रखना है। ब्रेड की जो साइड वाली ब्राउन पार्ट साइड होती है, उसको हम काट देंगे ऐसे चारों ओर से। अब हम थोड़ा पानी लेंगे, पानी में स्लाइस ब्रेड को थोड़ा डुबोकर बाहर निकालूंगी, और इसमें से जो भी पानी है इसको दबाकर अच्छी तरह दबाकर इस जो पानी इसमें है उसको निकालना है, हाथ से दबाकर। अब मैं आलू लूंगी, उसको थोड़ा ऐसे पहले रोल टाइप कर लेंगे। अब इसमें जो ब्रेड मैंने पानी से निकाला है उसमें फिल करूंगी वो।
ऐसे अच्छी तरह इसको हम बंद कर देंगे ऊपर से भी। ऐसे हो जाएगा जी, ऐसे फिर पानी में लूंगी, अच्छी तरह दबाना है ताकि जो पानी निकल सके। से हम ऊपर से बंद कर देंगे, ऊपर वाली साइड भी जो है उसको भी अच्छी तरह बंद करना है। तो अब हमारे ब्रेड रोल बनके तैयार है और दूसरी ओर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो अब हम फ्राई करने के लिए इसमें डालेंगे ब्रेड रोल। पहले ऑयल भी मीडियम पर ही गर्म कीजिए और उसके बाद जब ब्रेड रोल भी सेकने हैं तब भी गैस मीडियम में रखनी है आपको। अब हमारे ब्रेड रोल सिक रहे हैं। अब हमारे ब्रेड रोल सिक के तैयार हो गए। अब हम इनको कढ़ाई से निकालेंगे। पहले हम प्लेट पर एक पेपर ले लेंगे ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। एक प्लेट पर पेपर रख लेंगे। जी ब्रेड रोल हमारे बनकर तैयार हैं। इनको सारी साइड पर पलटते हुए सेक लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे सारे ब्रेड रोल बनके तैयार हैं। तो मैं आपको दिखाऊं कि ये कितने क्रिस्पी बने हुए हैं। देखिए जी, जी आपको आवाज़ सुन रही होगी कि कितने क्रिस्पी हैं। जी बनते भी बहुत जल्दी है और बच्चों को भी बहुत पसंद होते हैं। जी बहुत खाते हैं बच्चे, इसको बहुत लाइक करते हैं। तो मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। देखिए इसकी आवाज कितने क्रिस्पी बने हुए हैं अंदर से भी। तो आप भी ऐसे ब्रेड रोल ट्राई कीजिए, खाइए एंड बच्चों को खिलाइए। तो अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक एंड कमेंट जरूर करना एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।